चार माह की बच्ची अनाविया बनेगी हज्जन, सबसे कम उम्र की बच्ची करेगी हज। बरेली जिले के थाना हाफिजगंज के लफेड़ा गांव की मासूम बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 4 महीने की है, वो अपनी माँ हिना कुरैशी, वालिद मोहम्मद हसीन कुरैशी, दादा बाबू कुरैशी, दादी हसीना के साथ 2019 के हज में शामिल होगी। खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हुए प्रोग्राम हम सब हज करने में पूरे परिवार ने हज की ट्रेनिंग हासिल की और मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाया। अनाविया के माँ बाप ने कहा कि बच्ची के नसीब की वजह से ही हम सब हज करने जा रहे हैं। अनाविया की माँ हिना अपने हम सफर से बहुत खुश है। 26 जुलाई को दोपहर 2:40 पर उनकी हज की फ्लाइट लखनऊ जद्दा के लिए रवाना होगी। कावा शरीफ के सामने अपने हिंदुस्तान की तरक्की खुशमती के लिए खुशूसी दुआ करेंगी। बरेली हज सेवा समिति के संस्थापक पम्मी खान वाशी ने बताया कि अनाविया सबसे कम उम्र की बच्ची है जो इस साल हज्जन बनकर भारत लौटेगी। पम्मी वाशी ने बच्ची के सर पर हाथ रखकर दुआ दी। बरेली हज सेवा समिति के अध्यक्ष पूर्व मंत्री हाजी अतर रहमान ने अनाविया के परिवार को हज की मुबारकबाद दी। हमारे बरेली में टीकाकरण कैंप में बरेली जिले की लवाड़ा की एक अनबिया बच्ची जो 4 महीने की बच्ची है और हज को जा रही है, माशाल्लाह से उनके साथ साथ उनके वालिद हसीब कुरैशी, हिना कुरैशी और उनके दादा दादी भी साथ में जा रहे हैं, मतलब लग 5 लोग साथ में जा रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत खुशी है कि एक 4 महीने की बच्ची हमारे जिला बरेली की जब लौट के आएगी तो वो हज्जन कहलाएगी। और मेरे इनके वालिद से भी बात हुई तो मुझे पता चला कि उसके नसीब से ही वो सब लोग हज पे 5 लोग जा रहे हैं और मैं अपनी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बरेली हज सेवा समिति की तरफ से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। NG News से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।